और अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे ऑटो सेल्स मास्टर अंकित शर्मा को कि वो आए और अपनी जर्नी हम सब के साथ शेयर करें। एक बार इनके स्वागत में जरा जोरदार तालियां हो जाए। कोशिश जारी रख, सफल तेरा काम होगा, धैर्य बना के रख, यहाँ भी तेरा नाम होगा। जय माता दी। नाम अंकित शर्मा, डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, एजुकेशन सेंटर लीडर, जितने भी एटमी फैमिली लीडर्स हैं और जितने भी हमारे गेस्ट हैं और साउथ कोरिया से आए हमारे मेंटर सर को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मेरी जर्नी आज से 3 साल पहले एटमी के साथ स्टार्ट हुई थी और मैं भी पहली और सेकंड एनिवर्सरी पे आप ही की तरह साइड पीछे नहीं बैठा हुआ था। और ये फैक्ट है, सेकंड एनिवर्सरी भी यहीं थी और मैं पीछे बैठा हुआ था, पीछे वाले रो के अंदर। और मेरा ड्रीम था कि नेक्स्ट जब मैं एनिवर्सरी में जाऊंगा तो मुझे एटमी के अंदर एक मास्टरशिप का लेवल लेके जाना है। और आज ये सब चीज़ें एटमी प्रति मेरा विश्वास, मेरा डेडिकेशन, मेरी मेहनत के प्रति आज आप लोगों के सामने सब चीज़ें यहाँ पर है। दोस्तों, एटमी से पहले मेरा खुद का बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, साथ में एक अदर ब्रांडिंग पे मैं काम कर रहा था, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बट मैं चाहता था कि मुझे कुछ ऐसी इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस हूँ, मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम करूँ जहाँ पर मैं जो चाहता था वहाँ से अचीव कर पाऊँ। जब मुझे एटमी मिली, उस टाइम प्री लॉन्चिंग का टाइम था और उस टाइम ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं 3 साल पहले से कि जिन्होंने एटमी पे विश्वास रखा था या एटमी के साथ में जो मेहनत करके काम कर रहे थे, आज वो सब लोग कहीं ना कहीं सक्सेस है और वो सक्सेस जर्नी में उनका कहीं ना कहीं नाम है। आज वो सब लोग सक्सेस है। मेरा एटमी के अंदर जो विजन था, ऑटो सेल्स मास्टर बनना, सेल्स मास्टर बनने के बाद में डायमंड मास्टर या सैरो मास्टर बनने से पहले मेरा जो विजन था वो था ऑटो सेल्स मास्टर बनना। और आज ऑटो सेल्स मास्टर बन के मुझे एक्चुअली जो फीलिंग्स आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब मेरी नज़र में मिनी इम्पिल मास्टर, मेरी नज़र में। आप सबको पता होगा कि इम्पिल मास्टर की एक स्टेबल इनकम होती है, एक नाम होता है, एक लीडरशिप होती है। तो मैंने अपने मेंटर से सुना था और एटमी मैनेजमेंट से भी मैंने काफ़ी बार सुना कि आप ऑटो सेल्स मास्टर बने, ऑटो सेल्स मास्टर बने। तब मैंने ऑटो सेल्स मास्टर के बारे में समझा कि ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब है कि आपकी एक 6 फिगर बड़ी इनकम। कितने लोग चाहते हैं 6 फिगर इनकम? कितने लोग चाहते हैं रियल में? आप सही जगह क्लैपिंग कर सकते हैं। मेरा जो टारगेट था एएसएम बनना, वो मैंने अचीव किया। और साथ में मैं सब लीडर्स को, सब दोस्तों को एक बात बोलना चाहूँगा, टाइम कम है कि अभी आप जिस टाइम जिस जगह हैं एटमी के अंदर, आप बहुत राइट टाइम के अंदर, बहुत सही समय के अंदर। क्योंकि आज से पहले, जब 2 साल पहले हम जब स्ट्रगल कर रहे थे, एक छोटे बच्चे की तरह कर रहे थे, एक छोटा बच्चा जो होता है जब उसके दांत निकलते हैं, छोटे टीथ निकलते हैं, उस टाइम उसको बहुत परेशानी होती है, पेन होता है या उसको फीवर होता है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा होता है, वैसी समस्या हमारे साथ थी। बट वो सब चीज़ हमने फेस की, आज आपके सामने बहुत सारे लोग सक्सेस हैं यहाँ पर। एटमी का आज राइट टाइम है, राइट प्लेटफॉर्म है। तो मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ जितने भी गेस्ट आए हुए हैं जो एटमी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके जाइएगा। और एक ऐसा डिसीजन जो सिर्फ आपकी नहीं, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगा। तो आप सब लोग, मैं खुद विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं बताने का बहुत कुछ बता सकता था क्योंकि और बहुत सारे हमारे मास्टर जिनको हमें सुनना है। मैं इतना बोलूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, जिन लोगों को ज़िंदगी में कुछ बनना है, जो लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो अचीव नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट। मैंने काफ़ी इंडस्ट्री में काम किया है 2-3 जगह, बट अब ट्रेडिशनल बिजनेस का मेरे पास में एक्सपीरियंस है, बचपन से कर रहा हूँ, और डाइट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। एटमी का लेवल कहीं भी नहीं है, एटमी के लेवल में कहीं कोई कंपनी नहीं है, न कोई बिजनेस है। तो आप आज राइट टाइम पे एक राइट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हो। और जब आप नेक्स्ट एनिवर्सरी में आए तो कम से कम एक प्लान करके जाएं, एक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके जाएं कि जब मैं नेक्स्ट एनिवर्सरी में आऊँगा तो मैं यहाँ पर एक मास्टर बन के आऊँगा। सेल्स मास्टर हो तो सेल्स, नहीं हो तो सेल्स मास्टर, डायमंड या सैरोड मास्टर। कितने लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप स्टेज पे आना चाहते हैं? कितने लोग, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया, रियल में वो चाहते हैं कि अगली एनिवर्सरी में यहाँ पर आएंगे?
तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लीडर्स अगली बार यहाँ पर आए तो बहुत सारी टीम मेंबर के साथ में आए, बहुत सारे गेस्ट के साथ में आए, और मेरे एक सभी लोगों से एक आग्रह है कि जब भी हमारा कोई इवेंट हो, इस बिजनेस में सक्सेस का मैं सूत्र बताता हूँ, मैंने जो सूत्र अपनाया है वो सूत्र है इसकी हर मीटिंग को अटेंड करना। मैंने जब से एकेडमी को ज्वाइन किया है मैंने कोशिश की कि मैं हर मीटिंग को अटेंड करूँ, और आज मैं यहाँ के सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ इसी की बदौलत खड़ा हूँ। तो हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं आप लोग अपने टीम मेंबर के साथ में मैक्सिमम गेस्ट के साथ में एकेडमी इवेंट्स को अटेंड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।